और अब खादी के कवर पर घमासान की बात। दरअसल नए साल के मौके पर जो नया कैलेंडर और डायरी रिलीज हुई है, इसमें से महात्मा गांधी की तस्वीर गायब है और उनकी जगह ले ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इस नई तस्वीर में, इस नए प्रिंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चरखा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर अब ठंड में सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। शिवसेना ने मुखालफत की तो तंज अरविंद केजरीवाल ने भी कसा। गौर से देखिए, ये खादी ग्राम उद्योग आयोग के साल 2017 के कैलेंडर और डायरी का कवर पेज है। प्रधानमंत्री मोदी कवर पेज पर छाए हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, इस कैलेंडर और डायरी से बापू गायब हो चले हैं। जी, खादी के ब्रांड एम्बेसडर तो महात्मा गांधी को ही माना गया, और शायद इसीलिए हर बरस खादी ग्राम उद्योग का कैलेंडर हो या डायरी, पहले पेज पर बापू ही रहते थे। ऐसे में साल 2015 के कैलेंडर के इस कवर पेज को भी देख लीजिए। लेकिन 2016 में कमाल हुआ, पहली बार जब बापू को कवर पेज से हटा दिया गया, लेकिन कवर पेज पर किसी और को जगह नहीं मिली, तो लगा यही कि शायद इस बार चूक हो गई होगी, क्योंकि कोई दूसरा ब्रांड एम्बेसडर तो हो नहीं सकता। लेकिन बरस बीता और अब 2017 में बापू आउट और मोदी इन हो गए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलेंडर और डायरी दोनों में पहले पेज पर छा गए, और यह सब कुछ अब खादी ग्राम उद्योग के कर्मचारियों को भी नहीं भा रहा। इतना ही नहीं, खादी ग्राम उद्योग में कर्मचारी यूनियन शिवसेना चलाती है, तो ऐसे में खादी ग्राम उद्योग कर्मचारी सेना के सदस्यों ने काली पट्टी बांध ली और बकायदा बोर्ड पर लिखकर इस तरीके से अपना विरोध भी जताया। जैसे गांधी जी का पहले हर जगह हम चित्र देखते थे, चरखा चला रहे हैं, औरत लोग बैठे हैं, यही अगर चित्र हमारे मोदी जी के बारे में छपवाया है, ये सरासर गलत नहीं तो पाप है, गंभीर गुनाह है ये कैलेंडर जो हर घर में पहुंचने वाला है। लेकिन विरोध का क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर चस्पा है किसी को इनकार होना नहीं चाहिए, और मोदी मौजूदा वक्त में खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। या फिर खादी ग्राम उद्योग का ये कदम संकेत है कि देश की हर योजना पर अब एक ही एम्बेसडर होंगे, वो प्रधानमंत्री, क्योंकि अब इस मुद्दे पर राजनीति तय है, और महाराष्ट्र में तो सरकार भी शिवसेना और बीजेपी मिलकर चला रही है। तो ऐसे में बापू की जगह मोदी आ गए तो फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कर्मचारियों ने वहां पर प्रबंधन से शिकायत की, और उन्हें भरोसा पिछले बरस दिया गया था कि अगले बरस ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बरस वो बिल्कुल उल्टा गया। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर और डायरी से गांधी की जगह मोदी का फोटो लगाए जाने से नया बवाल खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टियों ने इसकी कड़ी आलोचना की है, तो सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी इसको मुद्दा बनाया है। विपक्षी पार्टी और सहयोगी दलों के तेवरों से साफ है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्माएगा। कैमरामैन अशोक के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।